हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के लिए एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती हो। जैसे कि मान लेता हूँ कि x प्लस 7y इक्वल टू 8 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं x इक्वल टू ये y उधर ले जाऊँ 8 माइनस 7y, तो y की हर वैल्यू के लिए x की अलग वैल्यू होगी। मान लेते हैं कि y की वैल्यू मैंने रख दी 0, पुटिंग y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0, 8 माइनस 0 8। अगर मैं x y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ तो x इक्वल टू होगा 8 माइनस 7 इंटू 1, 8 माइनस 7 1, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। तो इससे एक लीनियर इक्वेशन से इनटू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन की तो लेंथ इनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट पॉइंटों से मिल करके बनी होगी। तो फिर ये हम इसको करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट डबल है कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इजकल टू रुपीज एक्स, और लेट करते हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इजकल टू रुपीज वाई। ये तो तब है जब हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। अगर बुक के अंदर दे रखा हो तो फिर आप वो वाली वैल्यू ही पुट करेंगे। बुक में भी आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई, तो आप वही लेंगे। वैसे हमने एक्स और वाई ही ली है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से नोटबुक की कॉस्ट डबल है। नोटबुक कौन है, कौन सी है, ये है y, ये डबल है इसकी, तो 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब x मैं y को उधर ले जाता हूँ 2x माइनस y। अब ये y उधर चला गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो ये 0 आएगा, यानी कि 2x माइनस y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा आंसर होगा। ये था ना, इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना हमें ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है, हमें इनको शो करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। यानी कि हमें क्या करना है कि एक्स आए वाई आए, यहाँ प्लस आए, और सी कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू। ए बी सी ये तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। कॉन्स्टेंट मतलब 1, 2, 3, 5, 7, कोई भी होल नंबर, पॉइंट, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके, अब देखिए कि इसमें हमारे पास x है, y है, बीच में प्लस भी है, और ये जो है ये राइट हैंड साइड में, हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। तो कंपेयरिंग करेंगे, अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो हमारे पास क्या आएगा,
जो x को छोड़ देंगे, x को छोड़ करके हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर, x को छोड़ दिया बाकी बचा 2, तो a इक्वल टू आ गया 2। अब y को छोड़ दिया और बाकी बचा जो, वो आ जाएगा हमारा b। कंपेयर करें इसके साथ में तो b की वैल्यू आई 3। और यहाँ अब इक्वल टू 0, यहाँ पर अब जो ये वाली वैल्यू है ये हो जाएगी c, ये पूरी वैल्यू c होगी क्योंकि माइनस है ना, हमें तो प्लस चाहिए था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और ये वाली वैल्यू, तो c की वैल्यू जो होगी हमारी -9.35 बार। अच्छा ये बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो आगे बढ़ती चली जा रही है 9.355555555 एंड सो ऑन 9.35 बार, इसका मतलब ये होता है बार का मतलब। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर है ये वाली वैल्यू x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो फिर इसको हम उसी रूप में लिखेंगे, x माइनस की जगह कर देंगे प्लस, यहाँ आया माइनस, ऊपर कुछ नहीं है 1 और ये 5 y, प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। प्लस माइनस तो माइनस ही बन जाएगा ना, हमें तो चाहिए था कि x आए और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, है ना, कुछ भी नहीं है x के साथ में तो 1 लगा दिया प्लस, और ये माइनस है वो इधर आ गया, y के साथ कुछ नहीं है ऊपर 1/5 मल्टीप्लाई y, सॉल्व करेंगे तो हमें वापसी यही मिल जाएगा प्लस ब्रैकेट में माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फिर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए हमारा आएगा x के साथ वाला जो कि 1 है, b हमारा आया y के साथ वाला जो कि -1/5 है, और c आया जो ये x और y की टर्म के बाद जो है ये -10। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये -2x + 3y = 6, -2x + 3y 6 इक्वल के दूसरी तरफ में है, पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, -6 = 0। ओके तो अब हम इसको में क्या करेंगे, -2, ओके ये तो सारे +3y + -6 = 0, यानी कि अब यहाँ पर प्लस था, प्लस प्लस प्लस, तीनों में प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में प्लस आ गया, और हमारा x के साथ वाला जो होगा, x के साथ में क्या है ये y के साथ में, ये प्लस के बाद जो टर्म है वो, ये हमारी तीन वैल्यूज a b और c होगी, ये -2 हो गई, इधर 3 आ गया और इधर -6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, द आंसर मस्ट बी गिवन टू यू। अब नेक्स्ट के अंदर है, ये -2x, x इजिकल टू 3y, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, x माइनस 3y इजिकल टू 0, अब हम इसको उस रूप में लिखेंगे, इस रूप में
अब वो x के साथ में कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 होगा, ओके। प्लस माइनस 3 को मैंने ब्रैकेट में रख दिया है, y यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर दिया, ओके। y के साथ जो भी था माइनस 3 था मैंने ब्रैकेट में रख दिया, बीच यहाँ प्लस का साइन है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हमें वापसी यही मिल जाएगा। तो अब आप जैसे देख पा रहे हैं ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। तो यहाँ हम इसको इंडिकेट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 3 एंड c की वैल्यू आ गई 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। अब हम कर रहे हैं बचे हुए पार्ट। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 2x इक्वल टू माइनस 5y। मैं समझ चुका हूँ कि आपको आगे आइए। कि अब इसको हम उसी रूप में लिखेंगे, 2x इज टू माइनस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी इनका निशान बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तीन टर्मों में लिख दिया, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म ये हो गई और ये वाली टर्म ये हो गई। अब इसको कंपेयर करते हैं विद ax प्लस by प्लस c के साथ में, ओके। तो देखिए x के साथ वाला है वो है 2, y के साथ वाला है वो है 5 और जो बचा हुआ है ना x के साथ ना y के साथ कांस्टेंट टर्म वो आ गई 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ हमारे पास है ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ y वाली टर्म ही नहीं है तो क्या करेंगे, 3x y के साथ यानी कि 0 है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए y वाली टर्म, x वाली टर्म आ गई, y वाली टर्म आ गई और जिसके साथ ना x है ना y है वो वाली टर्म आ गई। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कंपेयर करने पर हमारे पास x के साथ वाली जो वैल्यू है वो होगी a, y के साथ वाली वैल्यू होगी b और जो x और y कुछ नहीं है जिसके साथ में वो होगी c। तो अगर मान लेते हैं y नहीं है तो वो y का कोफिशेंट 0 माना जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई होने पर ये ख़त्म ही हो गया, आया ही नहीं। और अगर कुछ भी नहीं है तो उसके साथ में 1 माना जाएगा, जैसे कि हमने पहले वाले केसों में किया था, जो यहाँ पर भी हम ये करेंगे ये वाला केस, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 3, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखिए कि हमारे पास अब ये वाला सम है, सेवन्थ पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब x नहीं है तो क्या करेंगे, x के साथ में 0 लगा देंगे, y प्लस y है और माइनस 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस 2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, अगर माइनस आ रही है तो प्लस लगा के माइनस वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख देंगे, दैट्स इट। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू एक्स के साथ में 0 है, वाई के साथ का कोफिशियंट 1 है
और जो ये टर्म है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना एक्स है ना वाई है वो माइनस टू हो गई। ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू माइनस वन एंड सी इक्वल टू माइनस टू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस सिमिलरली अबव पार्ट वी कैन डू, सो प्लीज वॉच इट। अब 5 इजल टू 2x है तो 5 इक्वल टू 2x हमें मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब y की टर्म नहीं है, इसको माइनस 2x प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसा कर सकता हूँ। एक्स वाई टर्म आ गई, वाई वाई टर्म नहीं थी, जीरो आ गया उसके साथ में और कॉन्स्टेंट टर्म है वो आ गई है। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में, तो एक्स के साथ वाली जो ये है ये आई ए, ये बी, और जो ये है ये आई सी। ए इक्वल टू माइनस टू हो गया, बी इक्वल टू जीरो हो गया, सी इक्वल टू फाइव हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने सारे सम्स इस तरीके से सॉल्व कर दिए।